हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है स्पोर्ट्स अप। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ट्रांसफर मार्केट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि आज के इस वीडियो में मेरे पास है बहुत सारे हॉट ट्रांसफर्स इंडियन ट्रांसफर मार्केट के। तो वीडियो एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी ट्रांसफर मिस ना करें। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी पहली ट्रांसफर न्यूज़ से। तो दोस्तों, हमारी पहली ट्रांसफर न्यूज़ आ रही है केरला ब्लास्टर से। तो केरला ब्लास्टर अपने इस सीज़न की सबसे बड़ी साइनिंग करने वाली है। तो दोस्तों, वो है वीपी सुअर के। तो वीपी सुअर बहुत पहले से केरला ब्लास्टर से लिंक हो रहे थे और केरला ब्लास्टर उनको साइन करना चाहते थे क्योंकि जो लेफ्ट विंग पोजिशन है उस पर जो है वो एक और अच्छा प्लेयर लाना चाहते हैं। और वीपी सुअर एक काफ़ी वर्सेटाइल प्लेयर है, वो लेफ्ट विंग, राइट विंग या फिर स्ट्राइकर पोजिशन पर भी इजिली खेल सकते हैं। तो एक ऐसा टैलेंटेड प्लेयर आना केरला ब्लास्टर की स्क्वाड को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो नॉर्थ यूनाइटेड है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज ट्रांसफर फी डिमांड कर रही थी वीपी सुअर पे, जो कि केरला ब्लास्टर देना नहीं चाहती थी क्योंकि जो केरला ब्लास्टर का जो बजट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रहता है और इसी वजह से जो डील थी वो बीच में स्टक हो गई थी। लेकिन कल ही इस पर एक नई अपडेट आई है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो केरला ब्लास्टर जो ट्रांसफर फी देने वाली उसी पे एग्री हो गई है, लेकिन उसी के साथ उनको एक केरला ब्लास्टर का प्लेयर भी चाहिए, तभी जो वीपी सुअर को वो केरला ब्लास्टर को सेल करेंगी। अगर ट्रांसफर फी की बात करें तो 80-90 लाख जो ट्रांसफर फी हो सकते हैं, मैक्सिमम 95 लाख, लेकिन उससे ज़्यादा जो है केरला ब्लास्टर ट्रांसफर फी नहीं देंगी। प्लेयर की बात करें तो केरला ब्लास्टर जो अपने फर्स्ट टीम प्लेइंग 11 का जो प्लेयर है उसी को तो नहीं सेल करेंगे, लेकिन बेंच पर उनके पास एक प्लेयर है, उसका नाम है गिवसन सिंह। गिवसन सिंह टैलेंटेड प्लेयर और अटैकिंग मिडफील्ड पोजिशन के प्लेयर है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है उन पर बहुत दिनों से इंटरेस्टेड भी थी, लेकिन वो साइनिंग कंप्लीट कर नहीं पा रही थी। और गिवसन सिंह को देखे तो केरला ब्लास्टर्स में उतना मौका नहीं मिलता क्योंकि सहल अब्दुल समद उस पोजीशन पर खेलते हैं, लूना भी जो उस पोजीशन पर खेलते हैं, और हाल फिलहाल में जो साइनिंग कंप्लीट की है ब्राइस मिरांडा, वो भी अटैकिंग मिडफील्ड पोजिशन के प्लेयर है। तो ऐसा है कि गिवसन सिंह को जो केरला ब्लास्टर के प्लेइंग 11 में मौका मिलना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह अगर केरला ब्लास्टर उनको सेल कर देते तो एक अच्छी बात होगी क्योंकि वीपी सुअर जैसे एक टैलेंटेड प्लेयर उनके पास आ जाता है। तो देखते यार केरला ब्लास्टर का मैनेजमेंट का फाइनल कॉल क्या रहता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे सेकंड ट्रांसफर न्यूज़ की तरफ। तो हमारे सेकंड ट्रांसफर न्यूज़ आ रही है मुंबई सिटी एफसी से। तो दोस्तों, मुंबई सिटी एफसी ने कल अपनी एक और साइनिंग अनाउंस कर दी है, वो संजीव स्टैलिन। संजीव स्टैलिन जो कि 21 ईयर ओल्ड फुल बैक पोजिशन के प्लेयर है और वो केरला ब्लास्टर के लिए खेल रहे थे। केरला ब्लास्टर में वो मेनली जो है लेफ्ट बैक पोजिशन पर खेल रहे थे और अगर देखें तो इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी में उनका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि इंडिया के अंडर 16 और अंडर 17 टीम के लिए वो खेल चुके और वहाँ पर उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है। और मुंबई सिटी एफसी की मैं इस की वीकनेस बना बताऊँ तो वो है फुलबैक की, क्योंकि अगर मुंबई सिटी एफसी के जो मेन फुलबैक देखेंगे जैसे कि फर्स्ट चॉइस फुलबैक हमारे रनआउट और विगनेस, इन दोनों का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डीप डाउन हुआ है इंजरी की वजह से। और वही हमारे रनआउट देखे तो उनका जो है पूरा पिछला सीजन ही इंजरी में चला गया और एएफसी चैंपियंस लीग में भी उनको इंजरी आ गई थी। वही अगर हमारे बैकअप देखे राहुल बेके और मंदार राव देसाई, दोनों भी डिफेंसिवली काफ़ी स्ट्रांग है फुलबैक पोजिशन पर, लेकिन जहाँ पे अटैकिंग की बात आती है दोनों का जो परफॉर्मेंस रहता है वो काफ़ी वीक रहता है, दोनों के अटैकिंग नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो ऐसे में मुंबई सिटी एफसी को एक नए फुलबैक की जरूरत थी जहाँ पे वो अटैकिंग और डिफेंसिवली दोनों में भी स्ट्रांग हो। तो संजीव स्टैलिन एक ऐसे प्लेयर है जो अटैकिंग और डिफेंसिवली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और उनको जो लेफ्ट बैक पोजिशन पर खिलाया जाएगा क्योंकि राइट बैक पोजिशन पर हमारे पास नाउचा सिंह है जिनको जो हमने गोकुलम केरला से साइन किया था और एक और टैलेंटेड प्लेयर है नाउचा सिंह। तो अगर इन दोनों को डुरान कप में हम अगर और या फिर प्री सीजन में इन दोनों को अच्छे से मौका देते तो मुंबई सिटी एफसी के लिए जो फुलबैक का जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा और जो हमारा फ्यूचर है फुलबैक का वो भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, हमारे आखिरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे आखिरी ट्रांसफर न्यूज़ आ रहे हैं मुंबई सिटी एफसी और एफसी गोवा से। तो दोस्तों, मुंबई सिटी एफसी जो है मंदार राव देसाई को शायद सेल कर सकती है, ऐसा इसलिए क्योंकि संजीव स्टैलिन को साइन कर लिया और संजीव स्टैलिन मोस्ट ऑफ टाइम लेफ्ट बैक पोजिशन पर ही खेलते हुए आपको देख सकते हैं क्योंकि राइट बैक पर देखो तो अमय रनावड़े, राहुल बेके और नाउचा सिंह है। अगर अमय रनावड़े अवेलेबल नहीं रहते तो राहुल बेके और जो है नाउचा सिंह है, वही लेफ्ट बैक पर जो है संजीव स्टैलिन, विघ्नेश और जो मंदार राव देसाई दिखेंगे आपको। तो उसमें से भी अगर आप देखेंगे तो संजीव स्टैलिन या फिर विघ्नेश, दोनों में से एक को ही जो है स्टार्ट मिलेगा और मंदार राव जैसा ही अगर देखे तो बैकअप ही रहेंगे। तो इस और इन तीनों को जो इक्वली गेम टाइम प्रोवाइड करना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा मुंबई सिटी एफसी में। तो इससे बेहतर है कि मुंबई सिटी एफसी जो है मंदार राव देसाई को सेल ही कर दे और एफसी गोवा ने भी मंदार राव देसाई पर जो है इंटरेस्ट दिखाया है। उसके मन में जरूर आ रहा होगा कि मंदार राव देसाई को ही क्यों सेल करेंगे मुंबई सिटी एफसी, ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल बेके सेंटर बैक भी खेल सकते तो उनको जो सेल नहीं कर सकते। अमय रनावड़े देखो तो इंजरी प्रॉब्लम
प्लेयर है तो उनको सेल करेंगे भी, लेकिन जो है उनको कोई परचेस नहीं बाई नहीं करेगा, क्योंकि इंजरी प्रोन प्लेयर को किसी भी कोई भी आईएसएल क्लब जो बाई नहीं करता। और वही नावचा सिंह देखो तो फ्यूचर है मुंबई सिटी एफसी का, तो उनको सेल करने की कोई बात ही नहीं आती। तो इसमें जो है सिर्फ मंदाराव देसाई बचते हैं, तो इसी वजह से मेरे हिसाब से मुंबई सिटी एफसी मंदाराव देसाई को सेल कर सकती है। तो दोस्तों ये थे आज के दिन के तीन ट्रांसफर, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हॉट ट्रांसफर थे। इसमें से कौन सा ट्रांसफर आपको सबसे बढ़िया लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही में दोस्तों मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दे दी है, अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं, मैं आपके जो है रिप्लाई कर दूंगा अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो। साथ ही में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं कौन सा ट्रांसफर आपको बढ़िया लगा। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, टाटा बाय।